अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक हेयर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएस बॉटनी। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी वर डिस्कसिंग द केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग हमने बहुत सी थेरीज की मदद से बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स में डिस्कस कर ली हैं, मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स में। तो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनमें केमिकल बॉन्डिंग को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हम किसको कहते हैं और ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हम आगे देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स ये किस किस्म के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है? बेसिकली नॉन ट्रांजिशन मेटल्स एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन विच डू नॉट हैव अ फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिसमें कोई भी फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल नहीं होता आर रेफर टू एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और एटम। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल या एटम जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन शेल उसका फिल नहीं है, मतलब वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक बोरॉन है। बोरॉन जब भी कहीं पे बॉन्डिंग करते हैं मोस्टली उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच इज़ अगेंस्ट द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट इज़ वाई वी कैन से द बोरॉन इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है वो मॉलिक्यूल बना भी लेता है तो उसके पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग के बाद भी बाकी तो सारे जैसे भी एलिमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग करने के बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ एटम बॉन्डिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं। दिस स्पीशीज ऑफन अंडरगो अनयूजुअल बॉन्डिंग इन एन अटेम्प्ट टू फिल देयर एम्प्टी शेल। तो अब इनके एम्प्टी शेल को फिल करने के लिए ये अनयूजुअल किस्म की बॉन्डिंग करते हैं। मतलब एक तो होती है ना नॉर्मल जो एक रूल के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग हो रही है, उस बॉन्डिंग में तो इनका ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं। नॉर्मली तमाम एलिमेंट्स का ऑक्टेट जो है वो बॉन्ड बनाने के बाद पूरा हो जाता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर हम जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जो बॉन्डिंग करने के बाद भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते, तो उसके बाद फिर ये अनयूजुअल किस्म की बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, द इफेक्ट इज स्पेशली नोट वर्दी इन एलिमेंट विच फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें ये इफेक्ट मोस्टली पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, विच इज़ बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक मास 10 होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। एटॉमिक नंबर 5 होने का क्या मतलब है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस और या उसको आखिरी शेल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल उसके अंदर मौजूद होंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन बेसिकली बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे और बॉन्ड बनाएंगे किसी भी और इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये कोवलेंट बॉन्ड में होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा शेयरिंग का फिनोमेना परफॉर्म किया जाता है। देखिए, बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी एग्जांपल देखिए आप। अभी हमने पिछले स्लाइड में बात की कि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, राइट। अब 3 इलेक्ट्रॉन उसने एक शेयर किया, इस एग्जांपल को देखिए, बोरोन ट्राईफ्लोराइड को। बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर किया एक बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया शेयरिंग से, तीसरा तीसरे फ्लोरीन के साथ। अभी आपको लिविस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन काउंट करना तो बहुत अच्छे से आते हैं, अब इस BF3 में इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बॉन्डिंग से पहले 3 थे, बॉन्डिंग के बाद, शेयरिंग के बाद अब जब हम काउंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा नहीं है। नॉर्मल एलिमेंट्स बॉन्डिंग के बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसके पास अभी भी डेफिशिएंसी है। अब इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यह अनयूजुअल किस्म की बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, इस डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसी, कि यहाँ पे मौजूद बोरॉन उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं बॉन्डिंग के बाद भी, BF3 बनाने के बाद भी
छः इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। अब देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि चौथा फ्लोरीन यहाँ पे क्यों नहीं आ गया। आपको बहुत अच्छी तरह से बर्निंग के रूल्स पता है कि यहाँ पे फोर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बोरोन के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसे शेयर करके फोर्थ बॉन्ड बनाएगा, तो और बॉन्ड तो बन नहीं सकता। यहाँ पे छः इलेक्ट्रॉन है, इसको इस कमी को, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किस तरह की अनयूजुअल बर्निंग शो करेगा, इधर देखें ये नीचे वाला स्ट्रक्चर BF3 में एक डबल बॉन्ड बन गया है बोरोन और फ्लोरीन के दरमियान। और ये डबल बॉन्ड कैसे बना है, ये फ्लोरीन के इस स्ट्रक्चर में देखें, तीन लॉन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे दो लॉन पेयर हैं, जो तीसरा लॉन पेयर है वो इसने डोनेट कर दिया किसको, बोरोन को, ठीक है, बोरोन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बना लिया। एंड यू नो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड कैसा कवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये अनयूजुअल बॉन्डिंग होगी ना, आप देखें कि अब फ्लोरीन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि उसका लॉन पेयर तो उसका अपना था, उसको शेयर करना पड़ा। फ्लोरीन मोस्टली एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे उसको दो बनाने पड़े तो उसने अपना लॉन पेयर यूज़ किया, लॉन पेयर इस्तेमाल किया, तो उसके पास भी डेफिशिएंसी आ गई। तो ओवरऑल अब कंपाउंड फिर भी डेफिशिएंट ही रहेगा, बट सिर्फ बोरोन के सेंटर वाले एटम के ऑक्टेट को पूरा ना करने की वजह से ये अनयूजुअल बॉन्डिंग हुई, बट ये कंपाउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी बोरोन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9 एंड एटॉमिक नंबर इज 4। तो 4 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में होंगे। ये जो दूसरे शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं बेसिकली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि आखिरी शेल के हैं ना, इसके बाद तो कोई शेल नहीं है, तो ये आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बेसिकली बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे बॉन्डिंग बनाएंगे। देखें बेरिलियम ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे देखें बेरिलियम को इसने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक एक साइड पे क्लोरीन है, दूसरा दूसरे साइड पे क्लोरीन है। बेरिलियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हुए एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया है। यू कैन सी कि जो रेड डॉट्स आपके पास मौजूद हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ने एक साइड पे क्लोरीन के साथ शेयर किया, दूसरी साइड पे दूसरे क्लोरीन के साथ, और 2 बॉन्ड बना लिए। अब बेरिलियम के ज़रा इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये 4 बन रहे हैं। 4 कैसे बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो शेयर हुए हैं, ज़ाहिर है दोनों एटम के होते हैं शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 भी दोनों एटम के हैं शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इवन आफ्टर बॉन्डिंग करने के बाद भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग करने के बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, लीनियर इसकी ज्योमेट्री है, और ये बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को आपने देखा कि किस तरह से सिर्फ कुछ चंद एक एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनमें से 2 एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे भी दी कि जिनके अंदर बॉन्डिंग होने के बाद भी उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, और सम टाइम ये उस ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए अनयूजुअल किस्म की बॉन्डिंग करते हैं, लाइक इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे मैंने आपको उसकी अनयूजुअल बॉन्डिंग की भी एग्जांपल दी कि कैसे फ्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया हालांकि फ्लोरीन 2 बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये अनयूजुअल बॉन्डिंग क्यों थी, क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट फुलफिल करना था, क्योंकि नॉर्मल बॉन्डिंग में उसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा था, ठीक है। वन थिंग, ये जो BF3 था ना, जब अभी अनयूजुअल बॉन्डिंग नहीं हुई, ये तब भी कदरे स्टेबल था। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जो हैं ये एक यूनिक फीचर है जिसमें कुछ जो एलिमेंट हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करते, बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, बॉन्डिंग के बाद उनके इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।